आज हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो हम देखते हैं वो वाले फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। एग्जाम्पल, 1/2 + 5/2। ऐसे क्वेश्चंस में हम डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करते, कॉपी कर लेते हैं और न्यूमरेटर को सम कर लेते हैं। तो 1 + 5 ये हो जाएगा 6/2। इसको हम सिंपल कर सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 5/17 + 22/17। तो इसमें भी डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हम डिनोमिनेटर को कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको ऐसे कॉपी कर लेंगे और ऊपर वाले को हम सम कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 27/17। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 5/8 + 9/8 + 19/8। इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे और ऊपर वाले नंबर्स का सम कर लेंगे। तो 5 + 9 + 19, इसका सम करें तो 14, 19, तो ये हो जाएगा 33/8। एक और एग्जाम्पल, 4/17 + 3/17 + 19/17। इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम सेम लिखते हैं, 17, ऊपर वाले का सम कर लेते हैं, ये हुआ 22, 26। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, फाइंड द सम। इसका मतलब आपको एडिशन करना है या जोड़ना है, 2/5 + 7/5 + 8/5। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, 17/19, 2/19, 6/19। तीसरा क्वेश्चन, 24/25 + 8/25 + 9/25। अगला क्वेश्चन है, 6/11 + 12/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17/18 + 13/18। और अगला क्वेश्चन है, 5/27 + 19/27। तो इन सारे क्वेश्चन का सम पता करना है। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं जिसमें से डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो टाइप टू की बात करते हैं। करना हमें वही एडिशन ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। देखते हैं, सपोज आपके पास है 2/5 + 3/7। तो ऐसे क्वेश्चन में दो तरीके हैं, एक तो हम एलसीएम कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है हम इसको 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले का भी मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा 2 × 7 + 5 × 3 / 5 × 7। तो ये हो जाएगा 14 + 15 / 35। तो ये बन गया हमारा 29/35। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 7/3 + 6/5। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 का 6 में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 5 + 6 × 3 / 3 × 5। ये सिंपल होकर के हो गया 35 + 35 + 18,
डिवाइड बाय 15, इसको और सिंपल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 53 डिवाइड बाय 15। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, 1/2 + 3/5। इसमें भी हम वही रूल लगाते हैं कि 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 3 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1 × 5 + 2 × 3। ये बन गया 5 + 6/10 which is equal to 11/10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3/4 + 6/5। इसमें भी वही रूल हम अप्लाई कर देते हैं कि 5 का 3 में, 4 का 6 में और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 4 × 5 तो ये हो जाएगा 3 × 5 + 6 × 4। तो ये हो गया हमारा 15 + 24 / 20। ये बन गया 39/20। अब आपको एक्सरसाइज, आपको ऐड करना है 2/3 + 6/5 पहला क्वेश्चन, दूसरा 5/4 + 6/5, तीसरा क्वेश्चन 6/7 + 3/8, अगला क्वेश्चन 2/3 + 1/11, अगला क्वेश्चन 2/5 / 3/7 और लास्ट क्वेश्चन 3/7 + 6/11। तो इन क्वेश्चंस को जो हमने अभी मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब हम अगली चीज देखेंगे, जब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम देकर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको एलसीएम जानना जरूरी है। तो हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारे पास है 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे कि 12 कितना होता है, 12 को हम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं। तो 12 के लिए लिखेंगे 2 × 2 × 3 और 18 लिखेंगे तो 18 का हो जाएगा 2 × 3 × 3। एलसीएम का मतलब होता है कि जो कॉमन हो सबसे पहले उसको लिखें, तो ये 2 कॉमन हो गया, फिर 1 3 भी कॉमन है, 3 लिखा, इसके बाद जो बचे हुए हैं यदि वो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 36। तो इसका मतलब है कि 12 और 18 का एलसीएम 36 हो गया। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं एलसीएम का, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो 15 को फैक्टराइज करेंगे हम, तो 15 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 5 और 20 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 5। एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम सबसे पहले ढूंढेंगे कॉमन क्या है दोनों में, तो ये 5 दोनों में कॉमन है, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। इसके बाद दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम फिर सारे नंबर्स को भी कॉपी करेंगे 2 × 3। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आ जाएगा 60। अगला एग्जांपल देखते हैं एलसीएम का, सपोज 20 है और 40 और 60, तीन नंबर दिए हुए हैं, इनका एलसीएम देखना है। तो हम 20 को लिखेंगे फैक्टर तो आ जाएगा 2 × 2 × 5 बन जाएगा, 40 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 आ जाएगा, 60 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। अब हम इसका एलसीएम देखते हैं, तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है, तो एक तो ये 2 तीनों में कॉमन है, इसको लिख दिया, फिर ये वाला 2 भी तीनों में कॉमन है तो इसको लिख दिया,
इसके बाद ये 5 भी तीनों में कॉमन है तो इसको लिख दिया। इसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, ये 120 बन जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 50 का, 100 का और 150 का हमें मान लो एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 50 को हम लिखेंगे 2 × 5 × 5, 100 को लिखेंगे हम 2 × 2 × 5 × 5 और 150 को लिखेंगे हम 2 × 3 × 5 × 5। अब देखेंगे कि इसका एलसीएम क्या है, तो एलसीएम में देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। तो सबसे पहले ये वाला 2 कॉमन है तो ये लिख लेते हैं, फिर ये वाला 5 तीनों में कॉमन है इसको भी लिख लेते हैं, फिर ये वाला 5 भी कॉमन है तीनों में तो इसको भी लिख लेते हैं, फिर इसके बाद ये 2 और 3 कॉमन नहीं है तो इनको भी लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 300। तो इन तीनों का एलसीएम हो गया 300। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, फाइंड एलसीएम ऑफ, पहला क्वेश्चन 12, 18, 30, दूसरा क्वेश्चन 10, 20, 40, तीसरा क्वेश्चन 100, 200, 300, अगला क्वेश्चन 45, 90 और 100, अगला क्वेश्चन 100, 150 और 200, अगला क्वेश्चन 180, 270, अगला क्वेश्चन 160, 320 और 400। एक सवाल और, 150, 300 एंड 500, इन सब के आपको एलसीएम निकालने हैं। इसके बाद हम अगला टाइप का एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।